जोधपुरी 10 विधानसभा में जी को भारी मतासु जीतिया वह है देवेंद्र जी। लगभग 38,000 वोटासु जीत निकाली और आ संख्या जी का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उनारी बढ़तसु बहुत ज्यादा है। कांग्रेस सरकारी लगातार विफलता, चाहे वो तुष्टिकरण के मुद्दे माते हो, चाहे वो प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध मुद्दे माते हो, चाहे वो नीट में पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हुआ, लगातार कांग्रेस सरकार असफल रही और इन कारणों आम जनता में रोष हो और वो रोष वोटर रूप में तब्दील हुए। मुख्यमंत्री जो चेहरो भारतीय जनता पार्टी तरफ वो फाइनल नहीं हुए है, काफी नामा माते कयास लगाया जा रहा है, आपने क्या लगे कई कौन सा चेहरा जी को मुख्यमंत्री बन सके? नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य, आप रहे साथ है। पहली राजस्थान वाला ने इंतजार हो कि 25 नवंबर का दावेला पचे इंतजार हो कि 3 दिसंबर का दावेला और ठापड़ जावेला के राजस्थान में कौन सी पार्टी राज करेला। कई ऐडी पार्टियां ही जी को कहो कि अबे राज नहीं बदलेला सिर्फ रिवाज बदलेला, लेकिन राजस्थान रे मीना रिवाज नहीं बदलियो राज बदल गयो और लोग कहता के जीतो जी अजी को जीतियो वो सिकंदर। लेकिन जोधपुरी 10 विधानसभा में अजी को भारी मतासु जीतिया वह है देवेंद्र जी। मैं उनारे साथ ही हूँ। लगभग 38,000 वोटासु जीत निकाली और आ संख्या जी का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उनारी बढ़तसु बहुत ज्यादा है। तो एक बार तो जलको जोधपुरी तरफ से आपने हार्दिक शुभकामना और मैं वो जाननी चाहूँ कि कैडो लाग रही आपने। पहले तो जलको जोधपुर में बहुत बहुत धन्यवाद है, सुरसागरी जनता ने धन्यवाद है, वो तो प्रचंड बहुमत दियो हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर ले ने मंडल रहा शक्ति केंद्र रहा जिले रहा जितना भी कार्यकर्ता लगा मान सभा ने धन्यवाद दूँ आपके माध्यम हूँ कि वो परिश्रम पराकाष्ठा करता हुआ जिन तरह हूँ 25 तारीख ने एक एक वोट ने बाहर निकालियो निश्चित रूप हूँ वे जो परिश्रम करियो नो परिणाम भी बहुत अच्छा आयो और पूरे मारवाड़ में सबू मोटी जीत सुरसागर में पार्टी ने मिली है। मैं इन वास्ते भी पार्टी कार्यकर्ताओं आभारी हूँ कि वे बहुत ताकत लगाने काम करियो। अच्छा पिछली जीत जी की सूर्यकांता जी निकाली वह 5,768 वोटर ही, इन बार आप जी की प्रचंड बहुमता से जीत निकाली लगभग 38,000 वोटों, कई लागे आपने इनो कई कारण रहे वाला? कांग्रेस जी की तुष्टिकरण नीति ही और हर पग पग माते सनातन ने गाली बोलनी हिंदुत्व ने गाली बोलनी इन कारणों जनता उकता चुकी है। सब सनातन धर्म प्रेमी सभी हिंदुत्व लोग वे सब परेशान हो ने स्वतः स्फूर्त बारे आने वोट किया। अच्छा मैं एक और भी पूछनी चाहूँ आप हूँ कि जिन वक्त बिजली गर्मा थे 25 नवंबर दिन वो एक मामलो हुयो बहुत गर्म मामलो हो गयो तो उन वक्त आपने कई लागो कि इन वजह से जीत हाथ निकल सके या आप उन टाइम भी कॉन्फिडेंस में आके नहीं जीत तो पानी ही है? टिकट मिलिया के बाद में मैं सभी कार्यकर्ता के घरे गयो और जिन मैं छोटी मोटी करीबन 500 मीटिंग ली उन मीटिंग में मैंने वो एहसास हो गया कि जीत तो बहुत प्रचंड हुआ इन वास्ते कटे शक नहीं हो है कितने होला वो जरूर आओ 25-30,000 आसपास जीता ला लेकिन 38-39,000 आसपास कार्यकर्ता जीत रही है। निश्चित रूप हूँ कार्यकर्ता सब गौरवान्वित है पार्टी गौरवान्वित है कि इतनी बड़ी जीत पार्टी ने सुरसागर विधानसभा में मिली है। जब पहलो राउंड शुरू हुई हो दूजो राउंड तीजो राउंड आप आगे चलता है तो मैं वो भी देखियो कि आप रे अटे गर्र माहौल भी एकदम काफ़ी उत्साह वालो हो गयो आपने माड़ा पहन वास्ते भी लोग आवन लाग गया कार्यकर्ता आप रे घर आवन लाग गए लेकिन धीरे धीरे जो राउंड होया तो जट आप 18,000 माते आप आगे चल रहा था 2,000 माते भी आया 3,000 माते भी आया लेकिन आप आगे चलता लेकिन जब 18,000 2,000 माते आया उन वक्त आपकी फीलिंग कही उन बारे में थोड़ा बताओ। मैं राउंड में ध्यान नहीं रखियो मने वो कॉन्फिडेंस हो कि मैं जीतूला अरे कार्यकर्ता ने कॉन्फिडेंस हो मैं जीताला आम जनता ने वो कॉन्फिडेंस हो भारतीय जनता पार्टी जीतला इन वास्ते कार्यकर्ता उससे था घरे आया सबारो स्वागत करियो। तो इन कॉन्फिडेंस रुक कई कारण मानो आपके वो कॉन्फिडेंस आप प्रमाण की कर है क्योंकि वैसे बीजेपी सूरसागर बीजेपी रो ही गढ़ रहे है सूरसागर साल सूर्यकांता जीत निकाली आप भी जीत निकाली तो इन कॉन्फिडेंस रो कई कारण हो इन बार आप रो कि हाँ 2,000 में आई गयो भले 5,000 मत आई गयो 18,000 नीचे आई गयो तो भी जीत आ पानी है कई लागो आपने? मोदी जी की नीतियाँ मोदी जी नेतृत्व मोदी जी के प्रति जनता रो विश्वास और सब मोटो कॉन्फिडेंस रो कारण हो और जिन तरह लोग मोदी जी ने नीति माते विश्वास करियो
है ना। और मोदी जी की गारंटी थी कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उन्हें बंद नहीं कराला, इन गारंटी में लोगों का विश्वास हो और नेतृत्व के प्रति आस्था ही पार्टी का जो छोटा छोटा कार्यकर्ता अभी भी सक्रिय हुआ है ना। और वो सब सही जो है मोदी जी नेतृत्व ने के जिन तरह मोदी जी सनातन जी ने प्रोटेक्ट करने वास्ते, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का काम प्रशस्त करना हो, चाहे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाना हो, चाहे महाकाल में कॉरिडोर बनाना हो, इन तरह जिका काम करिया उन आम हिंदुत्व प्रेमी राष्ट्रवादी लोग जिका हा वे बहुत उत्साहित था और वे उन्हें वास्ते मैंने कॉन्फिडेंस हो कि छोटी छोटी मीटिंग में उत्साह नजर आओ तो इन वास्ते मैंने कॉन्फिडेंस हो कि मैं बहुत अच्छा मार्जिन हो जितूंगा। अच्छा, मैं आखिरी सवाल और तरफ बढ़ूँ। पिछली बार अशोक जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का अशोक जी गहलोत है, वे 42,000 जीत निकाली, इन बार वो आंकड़ो 26,000 मत आई गयो, आपने कहीं लगे कई कारण हो सके? मैं कह रही कांग्रेस सरकारी लगातार विफलता, चाहे वो तुष्टिकरण के मुद्दे माते हो, चाहे वो प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध मुद्दे माते हो, चाहे वो नीट में पेपर लीक का मामला हो, नहीं चाहे भ्रष्टाचार का मामला हुआ, लगातार कांग्रेस सरकार असफल रही और इन्हें कारण आम जनता में रोष हो और वो रोष वोटर रूप में तब्दील हुए। अच्छा, मैं वो भी जानना चाहूँ कि हाल मुख्यमंत्री जो चेहरो भारतीय जनता पार्टी तरफ वो फाइनल नहीं हुए है, काफी नामा माते कयास लगाया जा रहा है, आपने क्या लगे कई कौन सा चेहरो जिसको मुख्यमंत्री बन सके? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उन कैडर में हर कैडर एक जिम्मेदारी निश्चित है और जिन लोगों ने आज जिम्मेदारी दी उड़ी है कि मुख्यमंत्री का चयन करना, वे सोच समझ में मुख्यमंत्री का चयन करेगा और जिन्हें भी चयन करेगा उन्होंने मैं साथ। बिल्कुल। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल आप वही है कि अबे आपरा आगे कई काम रहेला और कई योजनाओं है कि जिको सूट सागर विकास चलते रहे और जिकी सीट भाजपा करने है वागे आने वाले साल तक भाजपा करनी रहे। देखो, सूट सागर में विकास की अपार संभावना है, हालांकि सूर्यकांता जी बहुत विकास कर रहे हैं, 1500 करोड़ का काम कर रहे हैं 15 साल के कार्यकाल में आपने, लेकिन बढ़ती आबादी और दबाव सूर सागर माते हैं, इन वास्ते जिका भी हमेशा विकास की संभावना रहे, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे वो सड़क रही हो, पानी बिजली समस्या हो, या मूलभूत समस्याओं जिकी है उन्हों पहले निदान होना चाहिए और अगले 15-20 साल की योजना बनाने ताकि नई कॉलोनी जिकी बस रही है उनमें अगले 15-20 साल तक कोई समस्या नहीं हुए, चाहे सीवरेज है, चाहे पानी है, लाइट है, इन सब माते ध्यान देने काम कराना। बहुत बहुत धन्यवाद।